हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो PUBG पे आज बात हो जैसे कि गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गेम खेलने के कुछ रूल्स और तरीके जरूर होते हैं। तो बुरी खबर ये नहीं है कि गेम बंद होने को आ रहा है, और बुरी खबर ये भी नहीं है कि उसमें कोई करेक्टर जा रहा है या कोई करेक्टर नया आ रहा है। तो बुरी खबर ये है कि आपका या आपके बच्चे का आई साइट बॉडी पॉस्चर इज गोइंग टू वेस्ट, क्योंकि जब आप ये गेम खेलते हैं तो आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपना पॉस्चर और आप अपना जो ब्रेन है वो अपना अंदर इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि आप अपने पॉस्चर को ही भूल जाते हैं कि आपने किस तरीके से बैठना है। तो जिस तरीके से हमें उठने बैठने के तरीके हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इसी तरीके से गेम खेलने के भी कुछ पॉस्चर और कुछ तरीके हैं। चाहे वो आप मोबाइल पे खेल रहे हो, चाहे वो पीसी में खेल रहे हो, चाहे एक्सबॉक्स हो, तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। एक्शन गेम्स और हॉरर गेम्स, इस तरह की गेम खेलने से आपके बच्चे में और आप में बिहेवियर चेंजेस भी आती हैं। वो एग्रेशन में भी जाता है, उसका एडोलेसेंट फेज जो है वो भी खराब होने लगता है। तो ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स हैं। बट एक अच्छी खबर भी है, वो भी बताते हैं। तो अच्छी खबर तो यह है कि इससे आपकी मेमोरी इन्हेंस होती है और अटेंशन कंसंट्रेशन जो है आपका बढ़ता है, और आप मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होने लगती हैं और ब्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगती है, और एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग एज वेल। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टीम मैक, और उन लोगों तक पहुँचाइए जो गेम्स के बहुत शौकीन हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।